अब देखिए बेटा, सबसे पहला सवाल आपका ये भिन्नों में लिखना है, ये भाग काड़ा है, ये भाग काड़ा है, एक दो तीन और चार, कितने त्रिभुज हैं? चार लिख दूं नीचे, काड़े कितने हैं? दो बटा चार हो गए, ये दोनों एक ही पाड़े से कटते हैं, एक दूनी दूनी दो दूनी कितने हो गए? एक बटा दो, एक बटा। फिर देखो इसका दूसरा सवाल, एक दो तीन चार पाँच छह चक्कर है, छह लगा दिए, काड़े कितने? एक दो तीन चार, चार बटा छह हो गए, ये भी एक ही पाड़े में आ रहे हैं, दो दूनी चार तीन दूनी कितने हो गए? दो बटा तीन, जो कटते हैं ना एक दूसरे से वो काट लिया करो। फिर देखो इसमें ये काला है ठीक है, और एक ये काला है, ये काला है, ये काला है, एक ये काला है, इसमें देखो दोनों में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल कितने हैं? काले कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, छः बटा। अब दोनों एक ही पाड़े से कटते हैं, तीन दूनी छः, पाँच दूनी कितने हो गए? तीन बटा पाँच हो गए, नहीं हो गए। अब आगे दूसरे सवाल में चलते हैं, देखो टोटल कितने हैं इसके? एक दो तीन चार पाँच, पाँच देखो काले कितने? तीन, तीन बटा पाँच हो गए हैं। अब दूसरा सवाल है इसमें, ये इसमें देखो दो कॉलम है, एक तो देखो एक दो तीन चार, एक तो पूरा ही है, तो एक कर दूं पूरा कर दूं। आगे वाला देखो, एक दो तीन चार भाग है और उसमें से एक काला है, तो एक बटा चार हो गया, एक प्लस एक बटा चार दोनों जोड़ कितने हो गए? एक सही एक बटा हो गया ना, चार एकम चार और एक पांच बटा चार, पांच बटा चार, पांच बटा चार, ठीक है हो गया नहीं हो गया। अब आगे वाला ये देखो, इसमें कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह, काले कितने हैं? तीन, एक तीयो तीयो दो तिया कितने हो गए? एक बटा। इसमें देखो तीनों चित्र साथ में, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये देखो ये एक पूरा पूरा है ना। इसमें देखो एक दो तीन चार पांच, तो नीचे पांच लिखूं, काले कितने हैं? दो, दो बटा एक रह गए, दो दो सही दो बटा पांच, पांच दूनी दस, दस और दो बारह बटा पांच, कटते नहीं है ना, ये इस प्रकार करने कर सकते हो हैं।